अभी आपके यहाँ टाटिया नगर के पास गुमती नदी में तैरती हुई गाय की लाशें दिखी, उसको कहा गया कि दूसरे जनपद से कहीं और से बह के आ रहे हैं, यह कहते प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है। इसके विरोध में आज कांग्रेस के लोग सड़क पे उतरे हैं। आज हमारे कांग्रेस के प्रदेश से लेके जिले के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ नेता, सारे लोग सड़क पे उतर कर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं, उनसे मांग किए हैं कि एक कमेटी गठित की जाए जो गौशाला की देख रेख में हो, उसमें सभी दलों के लोग रहें, ये नहीं कि सत्ता पक्ष के लोग हों, उसमें विपक्ष दल के भी नेता रहें, उसकी देख रेख हो, इसका एक कैलेंडर बने गाय का, जो डॉक्टर नियुक्त होते हैं उनका जारी हो, मीडिया के में जाए कि जब गाय का वहाँ देखने जाएं, गौशाला का दौरा करने जाएं, देखने जाएं, वो मीडिया में आना चाहिए, गांव क्या स्थित है, जनपद में कितनी गौशाला हैं, या मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हो तो उनमें कितने गायों की संख्या है या सार्वजनिक हो, अगर इनको खाने शासन प्रशासन उनको खाने की समस्या नहीं दे पाता, हम कांग्रेस लोग भूसा मांगेंगे, चंदा मांगेंगे, पैसा इकट्ठा करके प्रशासन को हम भूसा दान करेंगे, गाय को खाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन मरने नहीं देंगे। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन पे आपके हम गंभीरता से ले रहे हैं, इस पे कार्रवाई करेंगे, एक हफ्ते का हमने समय दिया है, एक हफ्ते तक अगर हम लोग को नहीं दिखेगी कार्रवाई, कांग्रेस बृहद स्तर पर आंदोलन के लिए छेड़ेगी, बहुत व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हमारे प्रदेश महासचिव हैं, प्रभारी पीटीआई मांगा गया भैया, गंगा भैया हम लता कैसे जिला कांग्रेस कमेटी सुल्तानपुर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिला के सभी कांग्रेस जन, सभी संगठन के लोगों ने आज जो एक मुद्दा पूरे प्रदेश में ग्रंथ मुद्दा है, गाय के लेकर के संरक्षण को, इनकी गौशालाओं की व्यवस्था को लेकर के, उसी को लेकर के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर कांग्रेस जनों ने ज्ञापन दिया है, और अगर इस पर शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई, निस्तारण नहीं हुआ या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई तो आगे और व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा सब लोग मिल करके जो ये राम और गाय की बात करने वाले राम को भी भूल गए हैं, गाय को भी भूल गए हैं, हम सारे लोग मिल करके इस संरक्षण को, गायों की रक्षा के लिए, उनके प्राण रक्षा के लिए, गौशालाओं में जो व्यवस्था नहीं उपलब्ध है उसको उपलब्ध कराने के लिए हर तरह भरसक प्रयास करेंगे।